रूत, रूत उसका दूसरा अध्याय और 12वां पद। यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे, पूरा रिवॉर्ड दे, तुझे इनाम दे, क्योंकि तूने अपना सब कुछ छोड़ करके तू यहोवा परमेश्वर के पंखों के तले तूने उसकी शरण ली है, और जिसने उसकी शरण ली है वो उसको उसका फल देता है, उसका रिवॉर्ड उसको देता है, उसका इनाम उसको देता है, उसका प्रतिफल वो उसको देता है। रूत जब अपने घर से निकली, अपने परिवार से, अपने देश से निकली, तो उसने अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, अपना पति सब कुछ छोड़ करके वो नौमी के पीछे चली। और इससे बड़ी बात, जब वो वहां से चलती है तो वो कहती है जो तेरा परमेश्वर होगा आज से वो मेरा परमेश्वर होगा। उससे पहले वो मूर्ति पूजक थी, लेकिन वो अपने देवी देवताओं को छोड़ करके जीवित परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना उस दिन उसने स्वीकार किया और उसके पीछे चलना उसने शुरू किया। तब यहां पर वचन कहता है कि जिस यहोवा परमेश्वर की तू शरण लेने के लिए आई है, जिसको तूने अपने जीवन में स्वीकार किया है, वो तुझे बड़ा प्रतिफल देगा, वो तुझे बड़ा रिवॉर्ड देगा, बड़ा फल तुझे तेरे जीवन में देगा। जो कुछ तूने खोया है, जो कुछ तूने छोड़ा है, वो सब परमेश्वर तुझे वापस करेगा। और परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया, क्योंकि उसने परमेश्वर के लिए बहुत सी चीजों को छोड़ करके वो आई, इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में एक बहुत बड़ा अद्भुत काम किया और उसे वो सब कुछ दिया जो वो पीछे छोड़ करके आई थी। जो कुछ उसने परमेश्वर के लिए छोड़ा था उसे 2 गुना, उसे 100 गुना परमेश्वर ने उसे वापस दिया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की शरण ली, उसके पंखों के तले वो आ गई। में से कईयों ने अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों को छोड़ा है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। हमें से कईयों ने बहुत सी बातों को प्रभु के पीछे चलने के लिए छोड़ा है, परंतु मेरे प्रियो, आपने जो कुछ छोड़ा है परमेश्वर आपको उसका 2 गुना, उसका 100 गुना देगा, क्योंकि वचन कहता है कि वो तुझे तेरा प्रतिफल देगा, रिपे करेगा वो दोबारा से तेरा फल। जो कुछ कार्य तूने किए हैं प्रभु के लिए उनका फल प्रभु तुझे देगा। मेरे प्रियो, अपने जीवन में इस बात को आप दृढ़ता से थामे रहें कि जो कुछ आपने खोया है प्रभु के लिए, जो कुछ आपने छोड़ा है प्रभु के लिए, प्रभु आपको उसका बड़ा प्रतिफल देगा।